तो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइव गुरु के प्री मैच एनालिसिस सेगमेंट में। मैं हूं प्रफुल्ल और दोस्तों आज एक बार फिर मैं लेके आ चुका हूं इंडियन प्रीमियर लीग का एक और शानदार मुकाबला और आईपीएल बोनांजा के तीन सवाल, जहां हम ना सिर्फ बात करेंगे पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होने वाले 38 मुकाबले की, साथ ही साथ हमारे इन दो विनर्स की तरह आपको भी मौका मिलेगा आईपीएल बोनांजा में पूछे गए तीन सवालों के जवाब देने का और जीतने का इंस्टेंट कैश प्राइस। तो दोस्तों देर किस बात की है, फटाफट से वेन्यू एनालिसिस के साथ इस मैच की शुरुआत करते हैं। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि मोहाली में अभी तक तीन मैचेस हो चुके हैं। दो मैचेस पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं और एक मुकाबला सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहा है। हाईएस्ट स्कोर पंजाब का है 191 रन फॉर 5 विकेट्स और लोएस्ट स्कोर है कोलकाता नाइट राइडर्स का 146 रन। अगर हम दोस्तों स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो यहां पर हमें नजर आता है कि भाई 150 से 107 के बीच एक बार स्कोर रहा है, 170 से 190 के बीच भी एक बार स्कोर रहा है और 190 से 200 के बीच का स्कोर एक बार बनाया जा चुका है इन लास्ट थ्री मैचेस। ये हैं वो स्कोर जो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए गए हैं। अब अगर हम बात करें बॉलर्स के प्रदर्शन की तो दोस्तों तीन मुकाबलों में 34 विकेट चटकाए गए हैं, पेसर्स ने 24 विकेट लिए हैं तो वहीं स्पिनर्स ने 10 विकेट अपने नाम करे हैं। भाई ये तो होती है बात वेन्यू एनालिसिस की, इसी के साथ दोस्तों आईपीएल बोनांजा का हम पूछ लेते हैं हमारा पहला सवाल। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम पावर प्ले में कितने रन बनाएगी, How many runs will the team batting first will score in the power play? ये है आपका आईपीएल बोनांजा का पहला सवाल। बढ़ते हैं आगे और वीडियो के साथ साथ आपसे पूछे जाएंगे दो सवाल लगातार, आपको एक साथ तीनों सवालों के जवाब देने हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने आंसर्स को एडिट नहीं करेंगे। दोस्तों पहले हम बात करते हैं पंजाब किंग्स की। अथर्व टाइडे, प्रभसिमरन सिंह, मैथ्यू शॉट, लियम लिविंगस्टोन, सैम करन, जितेश शर्मा, हरप्रीत सिंह भाटिया, शाहरुख खान, हरप्रीत ब्रार, राहुल जैर और अर्शदीप सिंह, ये है वो खिलाड़ी जो कि पिछले मुकाबले खेलते नजर आए थे और इस मैच में भी खेल सकते हैं क्योंकि शिखर धवन अभी तक फिट नहीं है। इफ ही इज फिट वो टीम में शामिल हो सकते हैं बट एज एन इम्पैक्ट प्लेयर मोस्ट प्रोबेबली। यहां पर नथान एलिस का भी टीम को सपोर्ट मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो टीम सॉर्टेड दिखाई दे रही है। अब अगर की प्लेयर्स के लिहाज से देखा जाए जो कि आपकी फैंटेसी टीम के लिए इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों प्रभसिमरन सिंह ने 7 मैचेस में 159 रन बनाए हैं, ही कैन बी इन योर टीम। सैम करन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, 7 मैचेस में 142 रन और 5 विकेट के साथ सैम करन आपकी टीम का हिस्सा होने चाहिए। इनके साथ साथ दोस्तों जितेश शर्मा पर भी काफी जिम्मेदारी रही है, 7 मैचेस में 145 रन इन्होंने बनाए हैं, स्ट्राइक रेट भी इनका 140 प्लस का रहा है इस दौरान। अब यहां पर अगर हम बॉलर्स की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने 7 मैचेस में 13 विकेट और नथान एलिस ने 5 मैचेस में 7 विकेट चटकाए हैं अलॉन्ग विद हरप्रीत ब्रार जिनके खाते में 4 विकेट रहे हैं। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम देखें तो पंजाब किंग्स काफी सॉलिड दिखाई देती है, बैटिंग लाइनअप है थोड़े बहुत पुतल नजर आती है बट बॉलिंग अटैक इज सॉर्टेड। अब यहां पर दोस्तों आईपीएल बोनांजा का दूसरा सवाल आ जाता है आपके लिए कि भाई इस मुकाबले में पंजाब किंग्स का कौन सा बॉलर सबसे ज्यादा विकेट लेगा। This is your second IPL Bonanza question. Now let's move on to their opponent Lucknow Super Giants. दोस्तों केएल राहुल, काइल मायर्स, दीपक हुड्डा, मार्कस स्टॉइनिस, कृणाल पांड्या, निकोलस पूरन, आयुष बरोनी, नवीन उल हक, अमित मिश्रा, आवेश खान और रवि बिश्नोई हमें खेलते नजर आ सकते हैं। अब ये जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है ये बल्लेबाजी के लिहाज से सॉर्टेड है, डीप बैटिंग लाइनअप नजर आता है एंड बॉलिंग अटैक भी डिसेंट है। ध्यान रखिए कि ये जो ट्रैक है ये पेसर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद है। मार्कस स्टॉइनिस कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन दिस मैच जिन्होंने अभी तक 7 मैचेस में 144 रन बनाए हैं। अगर हम बैटर्स की बात करें तो यहाँ पर केएल राहुल ने 7 मैचेस में 262 रन बनाए हैं, काइल मायर्स कैन बी इन योर टीम जिन्होंने 7 मैचेस में 243 रन बनाए हैं, निकोलस पूरन ने 7 मैचेस में 171 रन बनाने के साथ साथ मिडिल ऑर्डर को बखूबी संभाला है एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बॉलर्स रवि बिश्नोई ने 7 मैचेस में 8 विकेट, आवेश खान ने 6 मैचेस में 6 विकेट और कृणाल पांड्या ने 7 मैचेस में 6 विकेट निकाले हैं। बैटिंग लाइनअप के साथ साथ दोस्तों बॉलिंग अटैक भी काफी सॉर्टेड है, कांटे की टक्कर हमें यहां पर देखने को मिल सकती है इन दिस अपकमिंग कॉन्टेस्ट। बात करी जाए हमारे फाइनल कंक्लूजन की तो ऑन पेपर लखनऊ सुपर जायंट ज्यादा बेहतर नजर आती है, पॉइंट्स टेबल की बात करें तो यहां पर भी लखनऊ का अपर हैंड नजर आता है एंड दे कैन विन दिस मैच। आपके लिहाज से कौन सी टीम ये मुकाबला जीत रही है, विच टीम विल विन दिस कॉन्टेस्ट इज योर थर्ड क्वेश्चन ऑफ आईपीएल बोनांजा। दोस्तों तीनों सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं, तीनों सवालों के जवाब एक साथ दीजिएगा और अगर आपका जवाब सही होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम की आईडी cricketlinegroup.official पे मैसेज करके अपना आंसर शेयर कर सकते हैं, अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो पर लगाते हैं लगाम, जल्द हाजिर होंगे क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ। उम्मीद करता हूं आपको सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। तो दैट्स मी प्रफुल्ल साइनिंग ऑफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करते जाइएगा।